ये देखो मेरा नन्ना मुन्ना साहिल। हाय साहिल, बोलो हाय। हाय, चलना है क्या सर्विसिंग में? चलिए दोस्तों, मैं भी घर चलता हूँ और नहा धोकर फ्रेश होकर अच्छा कपड़ा लगा के आना। दोस्तों आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आज विश्वकर्मा पूजा के लिए तो हमारा जो साथी है उसको भी आज साफ सुथरा यानी कि सर्विसिंग करवाना है हमारा जो बाइक है। तो अभी मैं चलूँगा सर्विसिंग सेंटर, वहाँ पर जाके सर्विसिंग करवाएंगे। और आज जो पहला पुल में है, जो एक नया सर्विसिंग सेंटर खुला हुआ है, हम उसमें चले। ये है मेरा साथी, ये इसको मैं अंदर में रखता हूँ और अभी इसको मैं फिलहाल बाहर निकाल लिया हूँ। और देखिए बहुत सारा गंदा लगा हुआ है टायरों पर, इंजन वगैरह जितना पूरा चारों तरफ इससे पूरा गंदा है। तो चलिए मैं इसको अभी लेके जाऊँगा सर्विसिंग सेंटर, उसको अच्छी तरह से साफ करूँगा। उसका बाद हमारा जो ऑटो स्टैंड है पहला पुल में, वहाँ पर पूजा हो रहा है तो पूजा करवाएंगे। तो हर किसी को विश्वकर्मा पूजा का दिन में अपना जो वाहन होता है, जो साथी होता है, जो भी गाड़ी होता है, उनको साफ सुथरा करके उनको पूजा करना बहुत ज़रूरी है दिन। सबसे पहले अभी हम अपना गाड़ी को है जो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको चलाने में बहुत ही मज़ा है। चलो मैं अभी बैठ गया हूँ, अब निकल गया मैं सर्विसिंग के लिए। ये मेरा गली का रोड है, बड़ा उचर किचर है। ये देखो मेरा नन्ना मुन्ना साहिल। हाय साहिल, बोलो हाय। हाय, चलना है क्या सर्विसिंग में? बाइक धोना है, चलना है क्या? अच्छा ठीक, आप घर में रुको, मैं आता हूँ सर्विसिंग करने के बाद। हाँ ठीक, फिर हम लोग घूमने चलेंगे शाम को विश्वकर्मा पूजा। ओके ठीक, नहा धोवा कर रेडी हो जा। हाँ चलिए दोस्तों, धीरे धीरे, ये थोड़ा चढ़ाई है में। तो ये हमारा रोड जो है थोड़ा टूटा फूटा रोड है। चलो मैं तो मैं अभी सर्विसिंग सेंटर की ओर चल पड़ा, और ये आप हमारा पहला पुल का रोड देख सकते हो। अरे यार, आज विश्वकर्मा पूजा है लेकिन स्कूल भी छुट्टी नहीं हुआ है। तो ये देखिए पहला पुल का, सभी भाई लोग अपना अपना गाड़ी धो धा के, और दुकानें भी खुल चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर फूल माला जो है, आज बहुत सारे लोग खरीदेंगे फूल माला, वो भी लगा हुआ। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी सिलचर रोड क्रॉस कर रहा हूँ, आज बहुत मज़ा आने वाला है। अरे मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा भाई साहब? देखो मुझे बोल रहे हैं भागो भागो, अभी टाइम नहीं है। अरे मेरा टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोस्तों फाइनली मैं सर्विसिंग सेंटर आ चुका हूँ, और देखता हूँ कितना टाइम हमको मिलता है यहाँ पर सर्विसिंग करने के लिए। तो चलिए मैं गाड़ी को स्टैंड करता हूँ। दोस्तों यही है, देखिए हमारा पहला पुल का जो सर्विसिंग सेंटर है, और इनका ओनर का नाम है अनुपुन। तो अनुपुन भैया ने ये सर्विसिंग सेंटर खुला है, काफ़ी अच्छा से यहाँ पर सर्विसिंग होता है। और ये जो चलिए ये बाइक धो रहा है, देख सकते हैं। तो ये देखिए सर्विसिंग हो रहा है, और ये जो पानी जो है, ये जो पाइप डांग से धोया जाता है, इसका जो पानी का स्पीड है काफ़ी तेज़ है, और अच्छा से अच्छा ये साफ हो सकता है, गाड़ी को पूरा चमकाया जा सकता है। तो आपका गाड़ी का हर भी बाइक का पार्ट्स जो भी है, छोटा छोटा सामान यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर पेंटिंग वगैरह भी होता है। तो दोस्तों यहाँ सर्विसिंग का साथ साथ पेपरिंग किया जाता है। तो जो नया गाड़ी जो लोग लेते हैं, अगर पेपरिंग करना चाहिए, आपको गाड़ी का अच्छा डिज़ाइन देना है, तो यहाँ पर आपको लेके आना है। सर्विसिंग का कितना फीस लेते हो एक बाइक का? सर्विसिंग देखिए दो तीन किस्म का, इधर आप पॉलिशिंग वैक्सिंग जो भी करना चाहते हैं उसका अलग अलग है। नॉर्मल जस्ट पानी मार के जाइएगा, शैम्पू मार के जाइएगा, उसमें 50 रुपीज़ है। उसमें डैशबोर्ड पॉलिश आएगा, टायर पॉलिश आएगा 70 रुपीज़। बाकी और भी एक्स्ट्रा पॉलिश करना चाहते हैं उसका अलग है, वो आप पॉलिश का क्वालिटी देखते होगा। दुकान का एड्रेस बता दो, दुकान का एड्रेस। ये ऑटो डिजाइन के नाम से है, ये हो गया सिलचर रोड इमानुएल स्कूल के ऑपोजिट, या सनराइज स्कूल इसका ऑपोजिट है। पहला पुल का सिलचर रोड में है, ऑटो डिजाइन का नाम से है ये जो शॉप। तो आप यहाँ पर आइए, बहुत अच्छा से अच्छा सर्विसिंग होता है। तो दोस्तों पहले मेरा ऑटो को साफ कर लेता हूँ। मेरा जो ऑटो है भैया धो रहा है, तो अच्छा से मार रहा है पानी, देखिए पानी का स्पीड भी बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर शैम्पू चढ़ाया गया है, चारों तरफ इसको शैम्पू से भर दिया है। दोस्तों अभी देखिए मेरा बाइक का भी सर्विसिंग हो रहा है। अरे यार मेरा मोबाइल पर पानी मत मार देना, जैसे बहुत सारा फीचर है मेरा बाइक को, वैसा भी सर्विसिंग हो रहा है। भैया थोड़ा बढ़िया से साफ करना, हाँ अंदर का सारा फीचर निकाल देना। तो दोस्तों अब देखें मेरा बाइक में भी शैम्पू चढ़ाया गया हुआ है, चारों तरफ से इसको शैम्पू पूरा भर दिया शैम्पू से। और एक भैया आया है दिल्ली घाट से, ना कहाँ से पूछते हो भैया आप? जयपुर से, जयपुर मधुबस्ती से हूँ मैं।
जयपुर मजीबर से जी 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 हर टाइम आते हैं यहाँ पर गाड़ी साफ करने जी 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 मैं रेगुलरली आता हूँ यहाँ पर। यहाँ का सर्विसिंग कैसा है आपको? अच्छा 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 बढ़िया। तो ये देखिए दोस्तों मेरा जो बाइक है और ये मेरा टेम्पो है, ये दोनों अच्छा से अभी साफ हो चुका है, पूरा चमक गया है। तो इसको अभी लेके जाना है वहाँ पर, अभी जहाँ पंडित है, जहाँ पूजा हो रहा है विश्वकर्मा पूजा, वहाँ पर लेके जाना है और इन लोग दोनों को पूजा करवाना है मंदिर से। पंडित का पास लेके थोड़ा मंत्र फूल वगैरह है, जो आरती धूप धुना इसको दिखाना। दोस्तों मैंने अपना जो ऑटो है उसको सर्विसिंग करके यहाँ पर ला के रख दिया, हमारा स्टैंड जो है पहलापुर का स्टैंड पे मैं ला के रख दिया हूँ। और पंडित जी अभी आया नहीं, आने वाला है। और अंदर में आप देख सकते हैं जितना भी हमारा ऑटो चलाने वाला भाई लोग है उन लोग भी पूरा तैयार होके और सभी लोग आ रहा है, कोई कोई मुँह छुपा रहा है। ये देखिए ये नया शादी किया है, इसका बीवी ना देख ले इसको चेहरा को, इसीलिए वो भैया मुँह छुपा रहा है। चलिए दोस्तों मैं भी घर चलता हूँ और नहा धोकर फ्रेश होके अच्छा कपड़ा लगा के आना है।